Subscribe to my channel and press the bell icon so you never miss any update. रहस्यमय तारा इस टॉपिक पर कितनी सारी वीडियोस बन चुकी हैं और आप सभी दर्शकों ने भी इस टॉपिक पर कभी न कभी वीडियोस जरूर देखी होंगी। पर आखिर रहस्यमय होता क्या है? क्या कोई ज्यादा रहस्यमय चीज का डेफिनेशन बता सकता है? नहीं, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि हम दो इंसानों की खुशियों को कंपेयर करें। हैप्पीनेस मेजर नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार कौन ज्यादा रहस्यमय है इसका कोई सटीक जवाब नहीं दे सकता है। आज का ये एपिसोड ऐसे ही एक रहस्यमय तारे के बारे में है और आप डिसाइड कीजिएगा इस एपिसोड को देखने के बाद कि वास्तव में ये तारा कितना रहस्यमय है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी और मैं हूं आपका दोस्त शशि। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय तारे की जिस पे वैज्ञानिक तक मानते हैं कि वहां पर एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशंस रह रही हैं। KIC 8462852 1300 लाइट ईयर्स दूर ये तारा वैज्ञानिकों के लिए अभी तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब इसका अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि संभवत इस तारे के चारों तरफ एलियन सिविलाइजेशंस जो हमसे काफी ज्यादा उन्नत होंगी, उन्होंने डायसन स्वाम बना लिया है। डायसन स्वाम एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो कि किसी तारे की पूरी एनर्जी को स्टोर करने के काम आता है। थ्योरेटिकली ये मेगा स्ट्रक्चर किसी तारे के आसपास एक कवर शील्ड बना देता है जिससे उस तारे से निकल रही सारी एनर्जी को ये स्टोर कर पाता है। डायसन स्वाम या डायसन स्फीयर हम मनुष्यों के लिए थ्योरेटिकली पॉसिबल है, पर हम प्रैक्टिकली ऐसा कुछ करने के आसपास भी नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि कोई उन्नत एलियन सिविलाइजेशन जो हमसे कई गुना ज्यादा उन्नत होंगे, उन्होंने डायसन स्वाम बना लिया होगा और इसकी काफी ज्यादा संभावना है कि हमने एक ऐसी ही उन्नत सिविलाइजेशन के ट्रेसेस को खोज लिया है पृथ्वी से 1300 लाइट ईयर दूर टैबी स्टार या KIC 1462852 नाम के तारे के पास। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक शोध छिपा हुआ है। तो चलिए अब आगे इस रिसर्च को अच्छे से समझ लेते हैं। टैबी स्टार की खोज के बाद से ही ये वैज्ञानिकों के लिए सर दर्द बना हुआ है। खोजकर्ताओं की टीम ने जब इस तारे का शोध किया तो उन्होंने पाया कि इस तारे की ब्राइटनेस रेगुलर अंतराल के बाद कम हो रही थी। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो आम सी बात है, क्योंकि कोई भी तारे के पास से कोई बड़ी सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि प्लैनेट्स गुजरते हैं तो लाइट की ब्लॉकेज की वजह से उस तारे से आ रही लाइट डिम हो जाती है। पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल टैबी स्टार से आ रही लाइट की ब्राइटनेस 20% तक कम हो जाती है। आप उदाहरण के लिए ये जाने कि हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी जुपिटर जैसे विशाल ग्रह भी अगर किसी तारे के पास से गुजरते हैं तो उस तारे से आ रही लाइट ब्लॉकेज सिर्फ 2% की होगी। यानी जुपिटर जैसा विशाल ग्रह भी ज्यादा से ज्यादा किसी तारे से आ रही रोशनी को 2% तक डिम कर सकता है। तो टैबी स्टार से आ रही रोशनी इससे 10 गुना ज्यादा यानी 20% कम क्यों होती है? तो इस शोध से ये तो साफ हुआ कि वो जो भी चीज है जो टैबी स्टार की लाइट को ब्लॉक कर रही थी वो बहुत ज्यादा विशाल होगी, बहुत ही ज्यादा। साथ ही वो उस तारे की नॉर्मल ऑर्बिट में भी ट्रेवल नहीं कर रही होगी। जब इस तारे की खोज हुई तब से कई वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया और अपने अपने रिसर्च पेपर दिए जिसमें उन्होंने इसकी ब्राइटनेस ब्लॉकेज के पीछे कई कारण बताए, पर उन सभी पेपर्स में कोई भी इस तारे के मिस्टीरियस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसी वर्ष अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में इस तारे के शोध पर दो पेपर्स पब्लिश हुए। एक पेपर में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप से किए गए शोध का डेटा इंक्लूड किया गया और वहीं दूसरे पेपर में ASAS यानी ऑल स्काई ऑटोमेटेड सर्वे के द्वारा किए गए शोध का डेटा इंक्लूड किया गया। दोनों रिसर्च पेपर्स यही बता रहे थे कि इस तारे की ब्राइटनेस लंबे समय के लिए डिम होती है। ये ब्राइटनेस डिम हफ्तों तक बरकरार रहती है और कई बार तो महीनों तक, तथा इसकी ब्राइटनेस डिम होने की वजह से तारे से आ रही लाइट की वेवलेंथ में भी चेंजेस आती रहती हैं। रिसेंटली नासा ने प्लैनेट हंटर कैपलर टेलीस्कोप से भी इसका अध्ययन किया
उन्होंने इस तारे पर जितना ज्यादा शोध किया उनकी परेशानी उतनी ही ज्यादा बढ़ रही थी। थ्योरीज तो काफी सारी आईं, जैसे कि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि टैबी स्टार का चक्कर एक्सोकॉमेट्स लगा रहे हैं, जिससे इस तारे के आसपास एक सर्कमस्टेलर डिस्क फॉर्म हो चुकी है और यही वो कारण है जिससे कि लाइट ब्लॉकेज हो रही है। ऐसी ही काफी थ्योरीज सामने आई हैं, पर थ्योरेटिकली इनमें से कोई भी फिजिकल स्पेस के नियमों को मैच नहीं कर पा रही थी। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने जब इसका अध्ययन किया तो उसने पाया कि पिछले 4 सालों से इस तारे की ब्राइटनेस धुंधली पड़ती जा रही है। रिसर्चर्स ने भी यही बताया कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने लाखों स्टार्स का अध्ययन किया है, पर उनमें से किसी ने भी इतना स्ट्रेंज बिहेवियर शो नहीं किया है। येल यूनिवर्सिटी की एक टीम ने एक रिसर्च पेपर पिछले वर्ष सितंबर को प्रकाशित किया था, जिसने इस मिस्टीरियस तारे को वापस से सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। उनके रिसर्च पेपर में ये साफ साफ लिखा था कि पिछले कुछ वर्षों में इस तारे से आ रही लाइट कई बार डिम हुई है और इस दौरान कई बार इसकी ब्राइटनेस डिम 22% तक की होती थी। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि टैबी स्टार और अर्थ के बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से टैबी स्टार से आ रही प्रकाश की किरणें मंद पड़ती जा रही हैं। खैर, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये संभव है, पर अगर थ्योरेटिकली बात करें तो वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि उस तारे के आसपास एक अति उन्नत एलियन सिविलाइजेशन का राज है, जिन्होंने अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैबी स्टार के चारों तरफ डाइसन स्फीयर मेगा स्ट्रक्चर बना दिया है। हालांकि विज्ञान शायद शब्द पे काम नहीं करता, किसी भी थ्योरी को या किसी भी आइडिया को साइंटिफिक मनवाने के लिए प्रमाणित सबूत होने चाहिए, जो इनमें से किसी भी केस में पर्याप्त नहीं थे। वैज्ञानिक अभी भी टैबी स्टार का शोध कर रहे हैं, पर फिलहाल ये तारा मिस्ट्री ही बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टैबी स्टार के आसपास किसी उन्नत सभ्यता ने डाइसन स्फीयर मेगास्ट्रक्चर बना दिया है, या ये किसी अन्य कारण की वजह से ऐसी मिस्टीरियस लाइट डिम शो कर रहा है? आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और जाते जाते वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के सामने आप भी एक डाइसन स्फीयर बना दें, ताकि उससे निकल रही सारी ऊर्जा का प्रयोग आप विज्ञान से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस को देखने में कर सकें, और पूरी ऊर्जा निकलने के बाद सब्सक्राइब बटन भी काला हो जाएगा। दोस्तों, विज्ञान से संबंधित ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।